दोस्तों आपका एक नई वीडियो के साथ टेक फैक्ट्री में स्वागत है। आज हम ट्रैक्टर के गियरबॉक्स इंजन की जिसकी वजह से एक ट्रैक्टर को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए आवश्यक गति और टॉर्क मिलता है। दोस्तों क्या आपको पता है आप जो ट्रैक्टर चलाते हो उसमें कौन सा गियरबॉक्स है और उसके क्या फायदे और नुकसान है? अगर उस गियर बॉक्स के साथ कुछ सावधानी नहीं रखते हैं तो आपका ट्रैक्टर का मेंटेनेंस अधिक हो जाएगा। क्योंकि किसानों के पास कई प्रकार के गियर बॉक्स विकल्प उपलब्ध है, एक सही गियर बॉक्स चुनना एक किसान के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप भी इसी दुविधा में फंसे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। गियर बॉक्स क्या है और इसमें क्या क्या शामिल होता है? ट्रैक्टर का गियरबॉक्स एक महत्वपूर्ण यांत्रिक घटक होता है जो इंजन द्वारा उत्पन्न बिजली को ट्रैक्टर के पहियों तक पहुंचता है। ट्रैक्टरों में कितने प्रकार के गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं? पहला है स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स। यह गियरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन प्रदान करता है। इसका उपयोग कुछ पुराने ट्रैक्टर में किया है। यह अपने सरल और मजबूत डिजाइन के लिए जाना जाता है। आज के समय इसे दुनिया में क्रेस गियरबॉक्स मतलब गियर गरारी को तोड़ने वाला गियरबॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस गियर वाले ट्रैक्टर आज भी आते हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स के फायदे। स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स डिजाइन में अपेक्षाकृत सरल होते हैं जो उन्हें टिकाऊ और निर्माण और रखरखाव में आसान बनाते हैं। इस गियरबॉक्स में उच्च टॉर्क भार को संभालने की क्षमता होती है जो उन्हें भारी भरकम कामों के लिए उपयुक्त बनाता है। स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स के नुकसान। इस गियरबॉक्स के गरारी के दांते बहुत टूटते हैं। इस गियरबॉक्स में गियर बदलने के लिए ट्रैक्टर की स्पीड कम करनी पड़ती है। इस गियरबॉक्स का मेंटेनेंस दूसरे गियरबॉक्स से जल्दी आता है। इस गियरबॉक्स में अगर आपने स्पीड में गियर चेंज किया तो गियरबॉक्स में गरारी टूटने का डर रहता है। दोस्तों हमारा दूसरा गियरबॉक्स है कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स। यह गियरबॉक्स एक आधुनिक प्रकार का मैनुअल ट्रांसमिशन है जो स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स की तुलना में उपयोग में और भी आसान है। इसके अंदर सभी गियर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसके कारण इसका नाम कांस्टेंट मेश दिया गया है। इसमें गियर बदलते समय गियर आगे पीछे नहीं होता है, इसलिए घर्षण नहीं होता है, इसलिए गियर के दांत टूटने का डर नहीं रहता है। इसमें लगातार कूलर शिफ्ट होता है जो गियर के ऊपर रहता है जिससे गियर बदलते समय गियर के दांतों में कोई दिक्कत नहीं होती है। कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स के फायदे। अपने कांस्टेंट मेश मैकेनिज्म के कारण यह गियरबॉक्स स्मूथ गियर शिफ्ट का अनुभव प्रदान करते हैं। चूंकि सभी गियर्स एक साथ जुड़े होते हैं, किसानों को अलग अलग गियर्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स की तुलना में इसको इस्तेमाल करने में कम कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें गियर बदलते समय कोई परेशानी नहीं होती है। गियर को किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स के नुकसान। जिससे उनका निर्माण और मरम्मत करना अधिक महंगा हो सकता है। इसको एक उदाहरण है। पुराना महिंद्रा 575 में पहले स्लाइडिंग मेश गियर आते थे जिसमें ट्रैक्टर थोड़ा पुराना होने पर किसान को सबसे ज्यादा गियर की परेशानी होती थी, कहीं भी गियर फंस जाता था। इस परेशानी को देखते हुए कंपनी कांस्टेंट गियरबॉक्स लेकर आई। तीसरा गियरबॉक्स है सिंक्रोमेश गियरबॉक्स। गियरबॉक्स में आमतौर पर मैनुअल रूप से संचालित ट्रांसमिशन होता है। इसमें पहले से ही घूम रहे गियर्स के बीच ही बदलाव होता है। सिंक्रोमेश गियरबॉक्स में गियर बदलने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है। यह अधिकतर उच्च स्तर के ट्रैक्टरों में देखा जाता है। सिंक्रोमेश गियरबॉक्स के फायदे। इस गियरबॉक्स सिस्टम में आप आसानी से गियर बदल सकते हैं,
चाहे ट्रैक्टर किसी भी स्पीड में हो। इनका उपयोग करना भी आसान है। इनमें कम कंपन देखने को मिलता है। इसमें डबल क्लचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। सिंक्रोमेश गियरबॉक्स के नुकसान। यह अधिक भार उठाने के काबिल नहीं होता। इसके गियर्स जल्दी घिसने लगते हैं।